नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा, आप देख रहे हैं एचआई न्यूज नेशन। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। सपा की हार के बाद आप देखिए कि लगातार ओपोजिशन जो है, जो लगातार देखिए सपा के सहयोगी दल हैं, साथ में अब आप देखिए कि उनके जो टिप्पणी की जा रही है अखिलेश यादव के ऊपर, उस टिप्पणियों के बीच में आप देखिए हैदराबाद का जो सांसद है असदुद्दीन ओवैसी, AIMAM के जो अध्यक्ष है, वो भी कूद पड़े। आप देखिए तो देखिए ओवैसी ने अब क्या कहा है, मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो ओवैसी ने कहा है कि देखिए कि जो उत्तर प्रदेश के जो मुस्लिम है, जो भारत के मुस्लिम है, वो विपक्ष पे देखिए कि जो विपक्ष पे के जो वोट देते हैं वो अपना वोट बैंक बचा के रखिए और उस वोट बैंक को आप किसी ऐसे सांसद को दीजिए या फिर ऐसे प्रत्याशी को दीजिए जो सिर्फ मुस्लिमों के हित में काम करे। तो देखिए यहाँ पे बड़ा जो बयान दिया है ओवैसी ने अखिलेश के खिलाफ, उन्होंने साफ साफ अखिलेश को निकम्मा तक कह दिया। जो निकम्मा पर शब्द है उन्होंने यूज करा है अपने ट्वीट में, उनकी पार्टी को यानी कि समाजवादी पार्टी को निकम्मा पार्टी कह दिया है। तो बिल्कुल देखिए हार के बाद देखिए कि यहाँ पे अखिलेश के खिलाफ लगातार देखिए बयानबाजी की जा रही है, उनको आलसी कहा जा रहा है। आप देखिए उनको बोला जा रहा है कि देखिए अपनी हार आप मान लीजिए, उनको ये तक ही बोला जा रहा है कि देखिए आप इस्तीफा दे दीजिए अब, अगर आपके पास की नहीं है राजनीति करना आप या फिर सीटें जीतना। तो इसलिए देखिए कि यहाँ पे अगर ये बातें क्यों हुई, अगर इन बातों पर अगर गौर करें, जो बयानबाजी हो रही है वो क्यों हुई है, अगर इस पर अगर हम गौर करते हैं तो ये पता चलता है कि अखिलेश यादव ने आप देखिए कि यहाँ पे रैलियों में पार्ट नहीं लिया, जनता से रूबरू नहीं हुए। तो इसी पे आप देखिए ओवैसी जो है असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पे अखिलेश यादव पर हमला बोलते हैं सीधा सीधा। वो बोलते हैं कि देखिए कि जो निकम्मे पार्टी है, जो समाजवादी पार्टी है, वो निकम्मे पार्टी है और जो इनके बस का नहीं है मुसलमानों का उद्धार करना, साफ साफ बोलते हैं। और वो ये भी बोलते हैं कि जो अखिलेश यादव मुझे यानी कि ओवैसी को, AIMAM को और मायावती यानी BSP को, इन दोनों पार्टियों को बीजेपी की बी टीम बताते हुए जो तंज कसते हैं हम पर, तो देखिए वो भी बिल्कुल खारिज कर देते हैं इस बात पे। क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पे अखिलेश यादव की बहुत बुरी तरह हार हुई आजमगढ़ और रामपुर से, तो इसको लेकर आप देखिए कि यहीं पे लगातार राजनीति चल रही है इस पे। अखिलेश यादव से देखिए इस्तीफा तक मांगा जा रहा है। आप देखिए कि उनको OP राजभर आकर देखिए यहाँ पे तंज कसते रहते, जो कि आखिर जो सपा की आप देखिए सहयोगी पार्टी है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि OP राजभर यहाँ पे अखिलेश यादव को आलसी तक बोल देते हैं कि वो AC में बैठकर देखिए उनकी राजनीति नहीं चलेगी। तो इसलिए आप देखिए कि यहाँ पे अब अखिलेश यादव को कोई स्टैंड लेना बहुत जरूरी हो गया। आप देखिए अखिलेश यादव को देखिए आप करना चाहिए कि आप यहाँ पे आए और जनता से रूबरू हो और अपनी हार को देखिए स्वीकार करनी चाहिए उन्हें ये होना चाहिए कि आप देखिए कि जो ये दोनों सीटें हारी है वो मेरे बदौलत हारी है या फिर जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें थोड़ा सा देखिए कम जोश रहा या फिर जो नेता हैं समाजवादी पार्टी के उनकी थोड़ी मेहनत कम रही थी। देखिए बिल्कुल यहाँ पे आके जनता से रूबरू होना चाहिए जरूर, तो लेकिन बिल्कुल यहाँ पे जो भाजपा है, देखिए भाजपा अगर हम बात करें तो देखिए भाजपा के बड़े बड़े नेता यहाँ पे आजमगढ़ में और रामपुर में देखिए रैली करते हुए हमें दिख रहे थे। यहाँ पे JP नड्डा भी पहुंचे थे वहाँ पे, आप देखिए अमित शाह भी पहुंचे थे, योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे। तो देखिए छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा नेता देखिए वहाँ पे मुख्यमंत्री को लेकर जो BJP के अध्यक्ष हैं वो भी पहुंचे थे। लेकिन अगर हम सपा की बात करें तो देखिए आजमगढ़ और रामपुर में देखिए मात्र आजम खान के नाम पर देखिए वहाँ पे चुनाव लड़ा गया था। जी बिल्कुल, देखिए ओपी राजभर ने भी बोला था कि आजम खान के नाम पर आप कितने चुनाव लड़ेंगे। तो इसलिए बिल्कुल यहाँ पे जो हो रहा है अब उत्तर प्रदेश की जो राजनीति चल रही है वो देखिए अखिलेश यादव के अब चल रही है, क्योंकि हार के बाद अब देखिए कि सपा का जो कद है वो लोकसभा में भी और छोटा हो गया है। जी हाँ बिल्कुल, मैंने आपको सही बताया, क्योंकि लोकसभा में देखिए समाजवादी पार्टी के इस चुनाव से पहले 5 सीटें थी और अब वो सीटें आप देखिए कि यहाँ पे 3 ही रह गई है मात्र। देखिए बिल्कुल जो लोकसभा भी जो साइकिल का कत्ता बिल्कुल वो और छोटा हो गया है। तो बिल्कुल लगातार हम इस पे आपको और फॉलोअप देते रहेंगे और भी बताते रहेंगे कि किस नेता ने कैसा बयान दिया। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ नेशन।